जय श्री शंभू, हर हर महादेव। तो सभी माताओं बहनों को मेरी तरफ से हरतालिका तेज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 18 सितंबर को पड़ने वाला है सोमवार के दिन यह हरतालिका तेज, और इस दिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि आप इस हरतालिका तेज के दिन एक ऐसा उपाय कर लेंगे जिसकी वजह से आपको मिलेगा अखंड सौभाग्यवती का वरदान। यानी कि जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि भोलेनाथ हर एक मन की कामना को पूर्ण करते हैं, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह यह उपाय कर लेंगी तो उन्हें मन वांछित वर की प्राप्ति होगी। तो उपाय जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, सास बहू और दुनियादारी के साथ। वीडियो को कर लें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को बिना देर के हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता गौरा जो है भोले शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी थी। कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर और पत्तों के धुओं को पीकर बालू के रेत से बनाया भगवान शिव की प्रतिमा और उससे करी पूजा। यानी कि ये तृतीय तीज के दिन यह व्रत रखा जाता है, और इस व्रत को सुहागन और कन्याएं दोनों रखती हैं। या जो भी महिला इस व्रत को रखती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और शास्त्रों में इस व्रत का बहुत ही अच्छा विधान है कि जो महिला या जो कन्या इस व्रत को रखती है पूरे सच्चे और मन भाव से, भोले शंकर उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और जो महिलाएं या कन्याएं व्रत इसका नहीं रखती हैं वह भी यह उपाय कर सकती हैं। यानी कि आपको लेना है 5 वृक्ष की, कोई भी वृक्ष हो उनकी पत्तियां लेना है, जो भी आपकी इच्छा हो उस वृक्ष की, यानी कि 5 वृक्ष की पत्तियां आपको लेना है। आपको भोले शंकर के कोई भी मंदिर में आपको चले जाना है, और वहां पे पहले आपको पत्तियों को अच्छे से तोड़ लेना है और अच्छे से उसको साफ कर लेना, और फिर भोलेनाथ पे एक एक पत्ती को भगवान भोलेनाथ पे आप जो है प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक आप उस उपाय को, यानी कि जो उपाय मैंने आपको बताया कि किस वृक्ष यानी कि 5 वृक्ष की पत्ती को ले लेना है और भोले शंकर पे अर्पित कर देना है अपनी मन की कामना को बोलते हुए। और शास्त्रों में जैसा कि बताया, प्रदीप मिश्रा जी ने, हमारे गुरु जी ने बताया है कि शिव पुराण में बताया गया है कि हरतालिका तीज के दिन जो भी महिला या कन्या इस उपाय को करती है, जो व्रत रखता है या नहीं रखता, वो दोनों लोग इस उपाय को कर सकते हैं। उसको हर एक मन की इच्छा यानी कि मन की कामना भोले बाबा जो है तुरंत पूर्ण करते हैं। तो आप लोग मंदिर में जाके कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों को भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर अपनी मनोकामना को अवश्य ही बोले, और हरतालिका के तेज के दिन यह उपाय करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपको जो है प्रदोष काल से लेके ब्रह्म मुहूर्त तक यह उपाय कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो, यह उपाय अच्छी लगी हो तो कर लें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जय श्री शंभू।